ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हे साई, हे बाबा, आज श्री साई सचरित्र का अध्याय 33 का पठन होने जा रहा है। हे बाबा, ये अध्याय अति विशेष है, जिसमें कि उदी की महिमा का संपूर्ण वर्णन है। आपसे प्रार्थना है गुरुवर कि यह अध्याय सभी के चित्त में उतरे, सभी को इसका लाभ हो। आइए बाबा से आज्ञा लेते हुए यह अध्याय का अध्ययन शुरू करता हूँ। अध्याय 33, उदी की महिमा, भाग 1। बिच्छू का डंक, प्लेग की गांठ, जामनेर का चमत्कार, नारायण राव, बाला बुआ सुतार, अप्पा साहेब कुलकर्णी, हरिभाव कर्णिक। पूर्व अध्याय में गुरु की महानता का दिग्दर्शन कराया गया है। अब इस अध्याय में उदी के महात्म्य का वर्णन किया जाएगा। प्रस्तावना। आओ पहले हम संतों के चरणों में प्रणाम करें, जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से ही समस्त पाप समूह भस्म होकर हमारे आचरण के दोष नष्ट हो जाएंगे। उनसे वार्तालाप करना हमारे लिए शिक्षाप्रद और अति आनंददायक है। वे अपने मन में यह मेरा और वह तुम्हारा ऐसा कोई भेद नहीं रखते। इस प्रकार के भेदभाव की कल्पना उनके हृदय में कभी भी उत्पन्न नहीं होती। उनका ऋण इस जन्म में तो क्या अनेक जन्मों में भी ना चुकाया जा सकेगा। उदी यानी विभूति, यह सर्वविदित है कि बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे तथा उस धनराशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता उससे वे ईंधन मोल लेकर सदैव धुनी प्रज्वलित रखते थे। इसी धुनी की भस्म उदी कहलाती है। भक्तों के शिरडी से प्रस्थान करते समय यह भस्म मुक्त हस्त से सभी को वितरित कर दी जाती थी। इसी उदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं। उदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे के समान गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के ही समान है। हमारा तन भी ईंधन सदृश ही है, अर्थात पंचभूतादि से निर्मित है, जो कि सांसारिक भोगादि के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा। भक्तों को इस बात की स्मृति दिलाने के हेतु ही कि अंत में यह देह भस्म सदृश होने वाली है, बाबा उदी वितरण किया करते थे। बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि इस संसार में ब्रह्म ही सत्य और जगत मिथ्या है। इस संसार में वस्तुतः कोई किसी का पिता, पुत्र अथवा स्त्री नहीं है। हम जगत में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। पूर्व में यह देखने में आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि इस उदी ने अनेक शारीरिक और मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया है। यथार्थ में बाबा तो भक्तों को दक्षिणा और उदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक तथा असत्य के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे। इस उदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दिनों इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी भवसागर को पार करना कठिन है, इसलिए बाबा दूसरे के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लिया करते थे। जब भक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में उदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे। जब बाबा प्रसन्नचित होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन उदी के संबंध में भी है। भजन के बोल हैं, रमते राम आओ जी उदी की गुनिया लाओ जी। बाबा यह शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे। यह सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी था, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति एवं अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसीलिए उदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचाती है। अब हम उदी की कथाएं प्रारंभ करते हैं।
बिच्छू का डंक। नासिक के श्री नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र वामन मोडक के अधीन काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी आए, शिरडी गए तथा बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी माँ से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले। नारायण जॉनी ने नौकरी छोड़कर एक उपाहार गृह आनंद आश्रम चलाना प्रारंभ कर दिया, जो अच्छी तरह चलने लगा। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में उदी तो रामबाण प्रसिद्ध ही है, काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही तो देना है। नारायण ने उदी खोजी परंतु कहीं ना मिल सकी। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा की उदी मानकर बिच्छू के डंक मारने के स्थान पर लेप कर दिया। वहां से उनके हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए। प्लेग की गांठ। एक समय एक भक्त बांद्रा में था। उसे वहां पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर है प्लेग ग्रस्त है और उसे गिल्टी निकल आई है। उनके पास उस समय उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना चांदोरकर के पास उदी भेजने के लिए सूचना भेजी। नाना साहेब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप रास्ते में ही थे। जब उनके पास यह सूचना पहुंची, वे अपनी पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। उनके पास भी उस समय उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ धूल उठाई और श्री साईं बाबा का ध्यान कर उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। वह भक्त खड़े खड़े यह सब नाटक देख रहा था। जब वह घर लौटा तो उसे जानकर अति हर्ष हुआ कि जिस समय से नाना साहेब ने ठाणे रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता करने की प्रार्थना की, तभी से उनकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चला था, जो गत 3 दिनों से पीड़ित थी। अब आगे पढ़ते हैं जामनेर का विलक्षण चमत्कार। सन 1904 और 5 में नाना साहेब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतदार थे। जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से भी अधिक दूरी पर है। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीप ही था। उसकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहिब ने सभी संभव प्रयत्न किए परंतु वे सब व्यर्थ ही सिद्ध हुए। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक रामगीर बुआ, जिन्हें बाबा बापूगीर बुआ के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर यह उदी और आरती श्री नाना साहेब को दे देना। रामगीर बुआ बोले कि मेरे पास केवल 2 ही रुपये हैं, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए को ही पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से 30 मील और आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा। बाबा ने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने श्यामा से माधव अडकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और उदी के साथ नाना साहेब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 रात्रि को जलगांव पहुँचे। इस समय उनके पास केवल 2 आने ही शेष थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे। इतने में ही एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी कि शिरडी से आए हुए बापूगीर बुआ कौन है। उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं शिरडी से आ रहा हूँ और मेरा ही नाम बापूगीर बुआ है। उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहेब चंदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर लाकर एक शानदार तांगे में बिठाया, जिसमें 2 सुंदर घोड़ी जुते हुए थे। अब वे दोनों रवाना हो गए। तांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया। इसी बीच चपरासी ने रामगीर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उसकी दाढ़ी मूछें तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना अस्वीकार कर दिया।
तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ, यह सब नाश्ता नाना साहेब ने ही आपके लिए भेजा है तथा उसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं करना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुँच गए। रामगिर बुआ लघुशंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौट कर आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ ना तो तांगा था, ना तांगे वाला और ना ही तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक शब्द भी ना निकल रहा था। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए और वहाँ उन्हें पता चला कि इस समय मामलतदार घर पर ही हैं। वे नाना साहेब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और उदी लेकर आ रहा हूँ। उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहेब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है। थोड़ी देर में ही उन्हें समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलतापूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। जब रामगिर बुआ ने नाना साहेब को चपरासी, तांगा और जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहेब को ये सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि मैंने ना तो कोई तांगा ना चपरासी ही भेजा था और ना ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना ही थी। ठाणे के सेवानिवृत्त श्री बी वी देव ने नाना साहेब चंदोरकर के पुत्र बापू साहेब चंदोरकर और शिरडी के रामगिर बुआ से इस संबंध में बड़ी पूछताछ की और फिर संतुष्ट होकर श्री साई लीला पत्रिका भाग 13 नंबर 11, 12, 13 में गद्य और पद्य में एक सुंदर रचना प्रकाशित की। श्री बी वी नरसिंह स्वामी ने भी एक मैनाताई और भाग 5 पृष्ठ 14, दूसरा बापू साहेब चांदोरकर भाग 20 पृष्ठ 50 और तीसरा रामगिर बुआ भाग 27 पृष्ठ 83 के कथन लिए हैं, जो कि क्रमशः 1 जून 1936, 16 सितंबर 1936 और 1 दिसंबर 1936 को छपे हैं और ये सब उन्होंने अपनी पुस्तक भक्तों के अनुभव भाग 3 में प्रकाशित किए हैं। निम्नलिखित प्रसंग रामगिर बुआ के कथनानुसार उद्धृत है। एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीप बुलाकर एक उदी की पुड़िया और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामनेर जाओ और यह आरती तथा उदी नाना साहेब को दे दो। मैंने बाबा को बताया कि मेरे पास केवल 2 रुपये ही हैं, जो कि कॉपर गांव से जलगांव जाने और फिर वहां से बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त हैं। बाबा ने कहा, अल्लाह देगा। शुक्रवार का दिन था, मैं शीघ्र ही रवाना हो गया। मैं मनमाड़ 6:30 पे सायकाल और जलगांव रात्रि को 2:45 पर पहुंचा। उस समय प्लेग निवारक आदेश जारी थे, जिससे मुझे असुविधा हुई और मैं सोच रहा था कि कैसे जामनेर पहुंचूं। रात्रि को 3 बजे एक चपरासी आया, जो पैर में बूट पहने था और सिर पर पगड़ी बांधे वे अन्य पोशाक भी पहने था। उसने मुझे तांगे में बैठा लिया और तांगा चल पड़ा। मैं उस समय भयभीत सा हो रहा था। मार्ग में भगूर के समीप मैंने जलपान किया। जब प्रातःकाल जामनेर पहुंचा, तब उसी समय मुझे लघुशंका करने की इच्छा हुई। जब मैं लौट कर आया तब देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं है, तांगा और तांगे वाला अदृश्य हैं। नारायण राव। भक्त नारायण राव को बाबा के दर्शनों का 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1918 में बाबा के महासमाधि लेने के 3 वर्ष पश्चात वे शिरडी जाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उनका जाना ना हो सका। बाबा के समाधिस्थ होने के 1 वर्ष के भीतर ही वे रुग्ण हो गए। किसी भी उपचार से उन्हें लाभ ना हुआ। तब उन्होंने 8 प्रहर बाबा का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। एक रात को उन्हें स्वप्न हुआ, बाबा एक गुफा में से आते हुए दिखाई पड़े और सांत्वना देकर कहने लगे कि घबराओ नहीं, तुम्हें कल से आराम आ जाएगा और 1 सप्ताह में ही चलने फिरने लगोगे। ठीक उतने ही समय में नारायण राव स्वस्थ हो गए। अब यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या बाबा देहधारी होने से जीवित कहलाते थे और क्या उन्होंने देह त्याग दी इसलिए मृत हो गए? नहीं, बाबा अमर हैं, क्योंकि वे जीवन और मृत्यु से परे हैं।
एक बार भी अनन्य भाव से जो उनकी शरण में जाता है वह कहीं भी हो उसे वे सहायता पहुंचाते हैं। वे तो सदा हमारे साथ ही खड़े हैं और चाहे जैसा रूप लेकर भक्त के समक्ष प्रकट होकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। अप्पा साहेब कुलकर्णी। सन 1917 में अप्पा साहेब कुलकर्णी के शुभ दिन आए। उनका ठाणे को स्थानांतरण हो गया। उन्होंने बाला साहेब भाटे द्वारा प्राप्त बाबा के चित्र का पूजन करना आरंभ कर दिया। उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा की। वे हर दिन फूल, चंदन और नैवेद्य बाबा को अर्पित करते और उनके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते थे। इस संबंध में इतना तो कहा जा सकता है कि भावपूर्वक बाबा के चित्र को देखना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के सदृश है। नीचे लिखी कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है। बाला बुआ सुतार। बंबई में एक बाला बुआ नाम के संत थे जो कि अपनी भक्ति, भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे। सन 1917 में वे शिरडी आए। जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे कि मैं तो इन्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। बाला बुआ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रथम बार ही शिरडी आया हूँ, फिर यह कैसे संभव हो सकता है। गहन चिंतन करने पर उन्हें बाबा के शब्दों की यथार्थता का बोध हो गया और वे मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था तो भी ये घटना उनको ज्ञात हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया है कि उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन करने के सदृश है। अब हम अप्पा साहेब की कथा पर आते हैं। जब वे ठाणे में थे तो उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा। वहां से उन्हें एक सप्ताह में लौटना संभव ना था। उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर में निम्नलिखित विचित्र घटना हुई। दोपहर के समय अप्पा साहेब के घर पर एक फकीर आया जिसकी आकृति बाबा के चित्र से ही मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी तथा उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप शिरडी के श्री साईं बाबा तो नहीं हैं। इस पर उत्तर मिला कि वे तो साईं बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों की कुशलक्षेम पूछने यहाँ आए हैं। फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट किया। तब फकीर ने उन्हें उदी की एक पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन में चित्र के साथ रखो। इतना कहकर वह वहां से चला गया। अब बाबा की अद्भुत लीला सुनिए। भिवंडी में अप्पा साहेब का घोड़ा बीमार हो गया जिससे वे दौरे पर आगे ना जा सके। तब उसी शाम को वे घर लौट आए। घर आने पर उन्हें पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ। उन्हें मन में थोड़ी अशांति सी हुई कि मैं फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया तथा पत्नी द्वारा केवल 1 रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा ना लगा। वे कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता तो 10 रुपये से कम कभी ना देता। तब वे भूखे ही फकीर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने मस्जिद एवं अन्य कई स्थानों पर खोज की परंतु उनकी खोज व्यर्थ ही सिद्ध हुई। पाठक अध्याय 32 में कहे गए बाबा के वचनों का स्मरण करें कि भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। अप्पा साहेब को शिक्षा मिल गई। भोजन के उपरांत वे जब अपने मित्र श्री चित्रे के साथ घूमने को निकले तब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने से एक फकीर द्रुत गति से आता हुआ दिखलाई पड़ा। अप्पा साहेब ने सोचा कि यह तो वही फकीर प्रतीत होता है जो मेरे घर पर आया था तथा उसकी छवि भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है। फकीर ने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहेब ने उन्हें 1 रुपया दे दिया। तब वह और मांगने लगा। अब अप्पा साहेब ने 2 रुपये दिए। तब भी उसे संतोष ना हुआ। उन्होंने अपने मित्र चित्रे से 3 रुपये उधार लेकर दिए। फिर भी वह मांगता ही रहा। तब अप्पा साहेब ने उसे घर चलने को कहा। सब लोग घर आए और अप्पा साहेब ने उन्हें 3 रुपये और दिए अर्थात कुल 9 रुपये। फिर भी वह असंतुष्ट प्रतीत होता था और मांगे ही जा रहा था। तब अप्पा साहेब ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपये का नोट है। तब फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपये लौटा कर चला गया।
अप्पा साहब ने 10 रुपये देने को कहा था, इसलिए उनसे 10 रुपये ले लिए और बाबा द्वारा स्पर्शित 9 रुपये उन्हें वापस मिल गए। अंक 9 रुपये अर्थपूर्ण हैं तथा नव विद्या भक्ति की ओर इंगित करते हैं। देखो अध्याय 21। यहाँ ध्यान दें कि लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने अंत समय में 9 रुपये ही दिए थे। उदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत हैं। जब वे कालांतर में शिरडी गए तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया। उन्होंने उदी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे वे सदैव हाथ पर बांधते थे। अब अप्पा साहब को उदी की शक्ति विदित हो चुकी थी। वे कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 40 रुपये मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की उदी और चित्त प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया तथा उन्हें मान और यश भी मिला। इन अस्थाई आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी। इसलिए सौभाग्यवश जिनके पास उदी है उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए। हरि भाव कर्णिक। सन 1917 में गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन ढाणो जिला ठाणे के हरि भाव कर्णिक शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा का यथाविधि पूजन किया। उन्होंने वस्तुएं और दक्षिणा आदि भेंट कर श्यामा के द्वारा बाबा से लौटने की आज्ञा प्राप्त की। वे मस्जिद की सीढ़ियों से उतरे ही थे कि उन्हें विचार आया कि बाबा को 1 रुपया और अर्पण करना चाहिए। वे श्यामा को संकेत से यह सूचना देना चाहते थे कि बाबा से जाने की आज्ञा प्राप्त नहीं हो चुकी है, इसलिए मैं वापस लौटना नहीं चाहता। परंतु श्यामा का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, इसलिए वे घर को चल पड़े। मार्ग में वे नासिक में श्री कालाराम के मंदिर में दर्शन को गए। संत नरसिंह महाराज, जो कि मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर बैठा करते थे, भक्तों को वहीं छोड़कर हरिभाऊ के पास आए और उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि मुझे मेरा रुपया दे दो। कर्णिक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सहर्ष रुपया दे दिया। उन्हें विचार आया कि मैंने बाबा को रुपया देने का मन में संकल्प किया था और बाबा ने यह रुपया नासिक के नरसिंह महाराज के द्वारा ले लिया। इस कथा से सिद्ध होता है कि सब संत अभिन्न हैं तथा वे किसी न किसी रूप में एक साथ ही कार्य किया करते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ परनमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।